गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ। तो अभी आप देख सकते हो बाहर रात का समय हो गया है और मैं अभी रेडी होने लग रही हूँ। और यहाँ पे मयंक रेडी हो चुका है, अंदर शिवांश रेडी होने जा रहा है। तो अभी मैं जाने लग रही हूँ प्रीत के घर, क्योंकि आज प्रीत की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। तो टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज उसकी एनिवर्सरी है, तो हम जा रहे हैं उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। और उसने केक कटिंग का टाइम दिया 7 बजे का और 6:50 यहीं पे हो गया। तो अभी मैं हो रही हूँ लेट, तो मैंने अभी इयररिंग भी नहीं डाले। तो अभी चलते हैं, पहले मैं रेडी होके फिर मिलती हूँ आपको। तो अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, तो कैमरा भी क्लीन नहीं है शायद। हाँ, बच्ची आ रही है, तो अभी मैं डालती हूँ इयररिंग। तो अभी बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, क्योंकि इसने 7 बजे का टाइम दिया था और 6:50 मैंने यही कर दी। और ये मैंने नया सूट डाला था, अभी स्टिच किया है। तो मैंने इसकी बाजू, जो अभी फैशन चल रहा है ना, वो वाली बाजू बनाई है। इस पे नेट पे बहुत वायरल जा रही थी इसकी वीडियोस, तो मैंने वो वाली वीडियोस इसे देख के बनाया है। और एक जब भी वीडियो बनाने लग जाओ ना कुछ ऐसा जरूर आ जाता है। सुबह दिन में वो सब्जी ले लो, फिर ये ले लो, वो ले लो, और रात को गाना फैशन चल रहा है इसका। वो भाई सीधा हो जाए तो पहले ही देर हो रही है। तो अभी मैंने इयररिंग भी डाल लिए और ये है इसका दुपट्टा। अभी मैंने दुपट्टा भी ले लिया है, तो अभी मैं डालती हूँ जूती, आपको अपना लुक दिखा देती हूँ। वैसे तो मिरर में आएगा नहीं पूरा, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ जैसा कैसा आएगा। तो ये है मेरा सूट, इसमें तो सूट का कलर ही लगा रहा है। और ये है इसका दुपट्टा। और ये वाला सूट मेरा मनकीर्त, मतलब प्रीत के पास जब बेबी हुआ था तो उसके घर वाले लेके आए थे, और आज मैं उसकी एनिवर्सरी पे डाल रही हूँ, तो उसको बहुत खुशी होगी। और उसने बोला था कि उसने भी सेम यही सूट, मतलब उसका कलर अलग है बस, और यही डिज़ाइन का उसने खुद भी सिलवाया हुआ है। तो अभी जल्दी से जूती डालते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर शिवांश भी रेडी हो चुका है और उसके बैल कैब में ना ख़राब हो रहे हैं, इस वजह से अच्छे से बैठ नहीं रहे। मयंक हो गए बेटे रेडी? देखो यहाँ पे मयंक भी रेडी। बेटे क्या बाल कटवाया आपने, बता। अड्डे अड्डे बढ़िया लगा। तो अभी सब रेडी हो गए हैं, तो अभी हम उठा लेते हैं अपना गिफ्ट जो हमें प्रीत को देना है, लेकिन मुझे उसमें पता नहीं है क्या है, क्योंकि ये मयंक के पापा पैक करवा के ही लेके आ गए थे। तो वो प्रीत ही बताएगी जब खोलेगी क्या है इसके अंदर। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं प्रीत के घर, तो आपको प्रीत को भी मिलवाते हैं। अभी मैंने ऊपर जैकेट भी डाल लिया कि ठंड ना लगे, क्योंकि जाते टाइम तो लगेगी इस वजह से। तो भी चलते हैं जल्दी से। एनिवर्सरी बहुत क्यूट लग रहे। हाँ, अच्छे लग रहे। कोई वो तो बेर बेबी के बाद तो हुआ ही, हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी बड़ी मुश्किल से तो हुई बाद में ही, पहला नहीं हो रही थी ये क्या कर रहा, दूध पी रहा? आया नहीं राहुल अभी? चल ठीक, अच्छा आज राम राम थे गेलो, ट्रैफिक भी होना। हाँ कोई नहीं, आज डांट लगाएगी सुनो। आया तो वो नहीं, कह रही मासी ने भेज दिया, कहा दूध पिला रही होगी ना, तो इसने बच्चे रोला कर रहे। नहीं मैं कह रहा था मेरे तक तो आया ही नहीं वो, और बच्चे उन्होंने रोक लिया ना फिर बाहर। हाँ शिवांश, मासी तो कह रहे आप यहाँ तक आई नहीं मयंक। अच्छा फिर हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोली मासी दे? प्यार ले लो। तेरे जीजू तो कह रहे थे अभी टाइम लगेगा, मकाम जा रहे तो अंदर ही। ये मैं नानू बिल्ला, पकोड़े खा लो भाई पकोड़े। ना और नहीं, ना ले ले, एक ले ले, एक ले ले। टॉफियां का पैकेट ठहर गया इसने तो, ले ले वही नौकरी कर रहा है यार। मुझे पोछा नहीं चाहिए। साठ
उठ जाएगा उसका। इसने बात झुकी उसमें कर लिया अंदरली साइड भाई ने और कर लिया फिर चाचू सारी ये हैप्पी एनिवर्सरी टू यू हैप्पी एनिवर्सरी टू यू चलो कह दो जी नू जो कहना ठीक है ठीक है तेरा काम खड़ी हो जाना थक रही है जी आइए करके कह रहा प्रीतन नु अच्छा ये प्रोफाइल अच्छी आपकी ता कह रहे हैं ये तो कद का दे दिए ने इब तो रहा ही नहीं इसके पास माया मजा केक कटिंग मा फोड़ मत देना इसको मास्टर का दिल मासी ने दिया था आप खेल रहे इसके साथ हैं हैं दिल खेलने की चीज आ दीदी सारा खा मेरे पास कर नहीं आ रहा मैडम देखो मैंने के दो बार काटा है देखो ऊपर से काटा देख मामू चॉकलेट आ तो खाना का ही नहीं क्या ली जब मामू ने खा ली हो मामू की गलती हो गई कोई नहीं अपने दिन में जेड़े हाथ दिखने थे उनका लगाई नहीं है अरे वाह बर्दो क्यों बर्दो ये तो हैप्पी बर्थडे का अरे मैं एक बार इसके माँ बाप बैठे जोर लगा के हाई शाह जोर लगा के हाई शाह बस 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 अब की आवाज आ रही है केरी आवाज निकल रही है कि बैलून की निकल रही बस नहीं नहीं बेटे फूट जाएगा क्या फायदा कोई बात नहीं बता लिए बस 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 ये भी लड़ाई पड़ जाएगी मियां अंक ना बेटे ले अपने सांभो आप ले यो निकट गया वा तेरी लड़ाई करने में तो सब तो तेज आई कर आ कर जियो फिर है जंदे टाइम ही आ जियो चाह ठीक है सुबह हाँ कभी ऐसे ही निकल छह बजे तो निकल कहने का काम है छह बजे तो
बातें 6 बजे की तो इतनी सुबह सुबह कहाँ निकला जाएगा, अकेले तो निकल जाओ है ना, बच्चे को लेकर कहाँ निकला जाएगा 6 बजे तो क्या, अब तो किसान होगा। चलो बेटे कद के कह रहे चलो ना घर जो से भूखे बैठे ना ना चला बस। हे गाइस तो अभी हमने केक खा लिया और समोसे भी खा लिए और स्प्रिंग रोल भी खा लिया और पेट हो गया फूल, अभी खाना खाने की इच्छा नहीं है। तो प्रीत ने बोला है कि घर वालों का खाना ले जाना, तो अभी वो पैक करने लग रहा है, तो बोले कि हम जा रहे हैं घर पे और टाइम 9 बज चुके हैं रात के और अभी हम घर जाने लग रहे हैं। पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, केक भी खाया पेस्ट्री भी खाई है तो इस वजह से बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो अभी चलते हैं घर। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, घर वाले भी वेट कर रहे होंगे। प्रीत का बेबी बहुत ही ज़्यादा रोती है, वो बिल्कुल भी चुप नहीं होता, लेकिन उसको इंजेक्शन भी लगा हुआ है। मैं शिवांश को भी लगेगा, देखते हैं इसको कब लगवा के लाते हैं। उसको इंजेक्शन लगा हुआ है 1.5 महीने का, इस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं चुप हो रहा है। चलने वाले को लगाने हैं, उसको भी लगेगा, उसको 10 साल का लगेगा, अभी टाइम है उसके लगने में। अगले साल नहीं इसी साल लगेगा आपका, जुलाई के बाद। कोई नहीं फिर कर लो, तो भी हम खाना लेके जाने लग रहे हैं घर और प्रीत आएगी अब। प्रीत मतलब अपने घर जा रही है कल, उसके मतलब भाई आ रहे हैं ना, राहुल आ रहा है तो उसके साथ ही चली जाएगी रहने के लिए। क्या पैक करा, क्या पैक करा इसमें? जीजू वास्ता, और फिर जीजू वास्ता जीजू के पूरी तरह डब्बा का यो क्या भेज रही, तो यो नहीं भेज बेटे, इतना सामान थोड़ी, इतना कौन खावा, कौन खावा अच्छा है, कौन बत खावा अच्छा है बता, इतना इतना सामान कौन खाएगा। ओए इतनी रोटी, अरे इसमें क्या पाया फिर तने डब्बे में? इसके नीचे गड़ भी है दाल की, देख कर दी, अरे इसमें सब्जियां रहा होंगी नहीं। अंकित तो तने महा भेज दिए, मैं रोटी लेकर किस तरह जाऊंगी इतना सामान, थोड़ा सा वेट कर लो, कुत्ते लग जाएंगे मेरे पीछा। डैडी के लोमने शर्मावा, ओ कुत्ते लग जाएंगे तो क्या सोचा मैंने, कुत्ते पाड़ ले रखी है। अच्छा 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 ठीक ही समा हुआ। मेला लग रहा है ना, दो दिन हो गए। कहाँ से? अच्छा अच्छा वहाँ सी, ठीक ठीक। अच्छा हमारे हमारे बस के में दो दिन रेंट में लगा। हाँ ठीक 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 गाइस, तो भी चलते हैं, इसने तो पता नहीं क्या क्या पैक कर दिया। और प्रीत भी अपना चैनल स्टार्ट करने वाली है, तो जब भी स्टार्ट करेगी मतलब उसने अभी नाम वगैरह नहीं रखा है, तो घर पे जाएगी, उसके घर पे जो डेकोरेशन वगैरह है उसका व्लॉग आएगा, है नो नो उसका व्लॉग आएगा। तो मैं आपको जल्दी से चैनल का नाम बता दूंगी, तो मेरी बहन को भी आप सब्सक्राइब कर लेना इसके चैनल को, ठीक है? ओके बाय। अच्छा ठीक है, आप बोल दो मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर, दीदी का पहले कर लिया बाद में मेरा, ठीक है? अच्छा अच्छा बाय। इसका दिमाग सेट नहीं है, घूम गया। तो गाइस यहीं पे मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।